हबुका किचन में आज हम क्रिस्पी चटपटे अंडा आलू कबाब बनाएंगे। आप इसे स्टार्टर या फिर स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। अंडा आलू कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला रेडी करते हैं। तो इसके लिए एक फ्राई पैन में 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच मरी दाना और 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद इसे एक मिक्सी जार में निकालकर बारीक पीस लेंगे। अंडा आलू कबाब बनाने के लिए 1/2 किलो बॉयल आलू को श्रेड कर लेंगे। 4 बॉयल अंडे को भी श्रेड कर लेंगे। आलू को श्रेड करने के बाद अब हम इसमें श्रेड किए हुए अंडे ऐड करेंगे। हमने जो मसाला रेडी किया था वो सारा ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच मैगी मसाला, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मीडियम साइज के कबाब बनाएंगे। इसी तरह सारे कबाब रेडी कर लेंगे। अंडा आलू कबाब को फ्राई करने के लिए एक बैटर रेडी करते हैं। एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चुटकी नमक, 1/2 छोटा चम्मच मरी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ऑरेगानो ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे, उसका बैटर रेडी करेंगे। आप इसमें चिली फ्लेक्स या बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब कबाब को मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे और इसे 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब को हम मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप इसे चटनी, सॉस या मायोनीज के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, मजेदार और चटपटे कबाब की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।